नोएडा के ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार के बुनियाद पर खड़ा था, रविवार दोपहर 2:30 बजे उसे गिरा दिया जाएगा और वो हमेशा के लिए जमींदोज हो जाएगा। इस करोड़ों रुपए की लागत से बने इस इमारत को गिराने के लिए वहीं की सोसाइटी के 400 फ्लैट के मालिकों ने चंदा जुटाया था। यह देश के इतिहास में पहली बार होगा जब इतनी ऊंची इमारत को गिराया जाएगा। इसको गिराने की कथा भी ऐतिहासिक होगी। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ऐसा बताया जाता है कि सुपरटेक बिल्डर को सेक्टर 93A में 23 दिसंबर 2004 को एमराल्ड कोर्ट के नाम पर भूखंड आवंटित हुआ, जिसमें 14 टावर का नक्शा पास हुआ। इसके बाद योजना में 3 बार संशोधन कराया गया, 2 बार नए टावर को मंजूरी दे दी गई। ये दोनों टावर ग्रीन पार्क और चिल्ड्रन पार्क हैं। 2 मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन पर ये बनाए गए। फ्लैट खरीदारों ने इसके खिलाफ मार्च 2010 में पहली बार आवाज उठाई थी और नोएडा प्राधिकरण से इसका नक्शा मांगा। प्रशासन तक गए, पुलिस तक गए, शासन तक गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इस वर्ष 2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। सोसाइटी में AOA और कानूनी समिति का गठन किया गया। इस संघर्ष के लिए 40 सदस्यीय टीम बनाई गई। नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक को 20 जून 2005 को एमराल्ड कोर्ट के निर्माण की मंजूरी दी थी। इस परिसर में 14 टावर बनाए जाने थे। टावर में भूतल और 9 मंजिला बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बिल्डर ने वर्ष 2006 में इसमें बदलाव कर भूतल और 11 मंजिल के साथ ही 2 अतिरिक्त टावर योजना में शामिल कर लिया। इसके बाद वर्ष 2009 में नक्शे में बदलाव कर टावर की ऊंचाई बढ़ा दी गई। इस बार टावर में 24 मंजिला बनना तय किया गया। वर्ष 2012 में ऊंचाई को 40 मंजिल तक बढ़ाने के लिए मानचित्र को फिर से संशोधित किया गया। वहीं वर्ष 2009 में दोनों टावर का निर्माण शुरू हुआ तो एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में रह रहे लोगों ने सुपरटेक बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। नए नक्शे पास कराने के बारे में जानकारी मांगी गई तो नोएडा प्राधिकरण देने से इनकार कर देता है। इसके बाद सोसाइटी की AOA ने दिसंबर 2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करता है और न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। वहीं बताया जाता है कि इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है और ट्विन टावर के बीच 16 मीटर की बजाय 9 मीटर की गैप को रखा गया है। अन्य कई नियम भी तोड़े गए हैं। न्यायालय ने प्राधिकरण को फटकार लगाया और नक्शा मांगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1.5 साल की सुनवाई के बाद 11 अप्रैल 2014 को विवादित ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। सुपरटेक बिल्डर ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को बिल्डर और प्राधिकरण गठजोड़ पर टिप्पणी करते हुए एमराल्ड कोर्ट के खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस आदेश के मुताबिक 3 महीने के अंदर ये दोनों टावर गिराए जाने थे, लेकिन 3 बार तारीख बढ़ गई। अब रविवार को दोनों टावर गिराए जाएंगे।